तुम्हारा ये अहंकार, ये विश्वास कि तुम मुझे पराजित कर सकते हो, हास्यास्पद है। तुम रोकोगे मुझे, तुम्हें कदाचित तनिक भी भान नहीं कि मैं कौन हूं, क्योंकि वीर अपना परिचय अपने शब्दों से नहीं देते, उनका पराक्रम ही उनका परिचय होता है। अब मैं अपने वार से तुम्हें उचित परिचय दूंगा। संभाल सको तो संभालो मेरा वार। नहीं गणेश, हमारे इस युद्ध में प्रथम वार तुम नहीं करोगे, तुमसे पूर्व मैं तुम पर आक्रमण करूंगा। तुम युद्ध करोगे मुझसे? इतना दुस्साहस तुम्हारा? तो लो भौम, तुमने स्वयं अपने विनाश को चुनौती दी है, तो अब उसका सामना भी करो। अन्यथा मैं अब तक इस अहंकारी भौम का अंत कर चुका होता। तुम्हें ज्ञात नहीं तुम ये क्या करने जा रहे थे? मैंने तुम्हें समझाया था ना, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना। कैसे रखूं अपने क्रोध पर नियंत्रण, जब मेरे क्रोध का स्रोत ये भौम मेरे समक्ष है? इसे नष्ट कर मैं अपने क्रोध को सदैव के लिए समूल मिटा देना चाहता हूँ। यदि कोई क्रोधित है इसलिए उसका नाश कर दो, ये उचित तो नहीं? और भौम के क्रोधित होने का एक कारण है जो मुझे ज्ञात हो गया है और तुम्हें भी ज्ञात करना चाहिए, तब तुम उसके क्रोध के मूल कारण को समझोगे। नहीं समझना मुझे, कुछ नहीं समझना। इस भौम को उचित पाठ सिखाने से अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। गणेश, तुम अपने स्वभाव के अनुरूप व्यवहार नहीं कर रहे हो। भौम की उग्र ऊर्जा से प्रभावित हो तुम, इसलिए क्रोध में अपना आपा खो रहे हो। हाँ, वही उग्र ऊर्जा जिसे लौटाना अस्वीकार किया है इसने। अब हटो मेरे मार्ग से, इसकी उग्र ऊर्जा का उचित प्रयोग करना है मुझे, अंत करना है इसका मुझे। तुम कौन होते हो मेरा अंत करने वाले गणेश? भौम, आप कुछ क्षणों के लिए शांत रहेंगे? क्या आप ये देखने में सक्षम नहीं, मैं स्वयं को ही शांत करने का प्रयास कर रहा हूँ और आप अपने उग्र शब्दों से अग्नि में घृत का कार्य कर रहे हैं? अच्छा, तो अब तुम इसकी ओर से बोल रहे हो और मेरे ही विरुद्ध हो गए हो। गणेश, मुझे सुनो, शांत हो जाओ। यहाँ किसी युद्ध अथवा रक्तपात की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हें आवश्यकता हो ना हो, मुझे आवश्यकता है। मैं इस युद्ध के कारण को अभी समाप्त कर देता हूँ। गणेश, हटो मेरे मार्ग से, अभी इसी क्षण। अन्यथा क्या तुम मुझ पर वार करोगे? मुझ पर? Thank you.
यदि भैया यहाँ होते तो तुम्हें मुझ पर वार करने के लिए बहुत कठोर दंड देते। कैलाश लौटने पर उन्हें अवश्य बताऊंगा मैं, फिर देखना। भैया यहाँ होते तो दंडित तुम होते। इस अहंकारी रक्तवर्णी युवक की रक्षा करने और मेरे विरुद्ध जाने के लिए, और उन्हें तो तुम कुछ तब कह सकोगे जब मैं कहने दूंगा तुम्हें। अब मैं सर्वप्रथम तुम्हें बांधूंगा, फिर इस भौम का भी उचित उपचार करूंगा। स्थिति तो नियंत्रण के बाहर जा रही है, और ये सब भौम के उग्र धूम्र के कारण हो रहा है, जो गणेश अर्थात मेरे उग्र स्वरूप के ऊपर मंडराकर उसे और भी आवेशित कर रहा है। उसको इस धूम्र के प्रभाव से रिक्त करना होगा मुझे, और तब मैं उसे भौम का वास्तविक परिचय दूंगा। किंतु ये तभी संभव हो पाएगा जब मैं भौम को किसी प्रकार शांत कर उनके प्रभाव को रोक सकूं। इस दिव्य बालक की लीला, कितनी सरलता से इसने न केवल मुझे अपितु अपने क्रोधी प्रतिरूप को भी शांत करा दिया। इसकी उपस्थिति मुझे चिर शांति का आभास करा रही है। न मन में क्रोध और न कोई ईर्ष्या का भाव ही उत्पन्न हो रहा है। अब कहो, अब क्रोध शांत हुआ तुम्हारा? सत्य है, क्रोध में क्रोधी व्यक्ति स्वयं का ही नाश करने पर आतुर हो जाता है। मैं क्रोधवश कितना बड़ा अनर्थ करने जा रहा था। एक बार पुनः मैंने अपने क्रोध को इतना बढ़ने दिया, और जिसका दुख है मुझे। किंतु ये मैं अभी भी नहीं समझ सका कि तुम इस भौम की इतनी रक्षा क्यों कर रहे हो। जब मैं तुम्हें वो दृश्य दिखाऊंगा जो मैं देख चुका हूँ, तो इसका कारण तुम भी स्वतः ही समझ जाओगे। पृथ्वी हूँ, मेरी अपनी कोई संतान नहीं। आपके स्वेद की जो खून मुझ पर गिरी, उसने इस बालक का रूप ले लिया। महादेव, आप उसे मेरे पुत्र के रूप में भेंट दे दीजिए। आज से तुम्हारा पुत्र कहलाएगा, और तुम्हारे नाम से जुड़कर इसका नाम होगा भौम। परम ब्रह्म महागणपति के इस दिव्य स्वरूप के दर्शन पाकर धन्य हो गया मैं। प्रणाम गणेश जी। भौम, मुझे ज्ञात हो चुका है कि आप मेरे भ्राता हैं। भ्राता, भ्राता?
भौम, आपने मुझे पूर्व में ही क्यों नहीं बता दिया कि आप पिताश्री के ही पुत्र हैं, मेरे भ्राता हैं। पुत्र भौम ने इसका प्रयास तो किया था। जब पुत्र भौम को ज्ञात हुआ कि उसके पिता और कोई नहीं स्वयं महादेव हैं, तो वो उनसे भेंट करने कैलाश गया था। आप कैलाश आए थे, किंतु कब? आपके जन्म दिवस पर, जब कैलाश में आपका जन्मोत्सव मनाया जा रहा था, तब मैंने कैलाश में प्रवेश करने का प्रयास किया था, किंतु महादेव के दो गणों ने मुझे वहां प्रवेश द्वार पर ही रोक दिया। मेरा बहुत अपमान किया और मुझे वापस लौटने को कहा। उसी दिवस से भौम इस आशा में तपस्या कर रहा है कि महादेव उससे प्रसन्न होंगे, उसे दर्शन देंगे और अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करेंगे। आपको कैलाश से अपमानित होकर लौटना पड़ा? ओह, तभी आपको मुझसे इतनी ईर्ष्या, इतना द्वेष है, और इसलिए मुझे आपकी ये उग्र ऊर्जा निरंतर प्रभावित कर रही है, क्योंकि आपकी उग्रता का लक्ष्य तो मैं ही हूँ ना? कैलाश में आपका अपमान सर्वथा अनुचित था, किंतु अब मैं उस अनुचित को उचित बना दूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अब कैलाश में आपका सम्मान होगा और आपको वही अधिकार प्राप्त होगा जो महादेव पुत्र के लिए उपयुक्त है। भ्राता भौम, आप मेरे साथ कैलाश चलिए। गणेश जी, मैं आपके साथ सहर्ष कैलाश चलूंगा, किंतु मेरा एक अनुरोध है, माँ भी हमारे साथ चलेंगी। नहीं पुत्र, अपने पिता से भेंट करने के लिए ये यात्रा तुम्हें ही करनी होगी। मेरी किसी भी यात्रा का आरंभ और अंत आपके बिना कैसे संभव है माँ? यदि आप नहीं चलेंगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा। भ्राता भौम कदाचित उचित कह रहे हैं, आपको भी साथ आना ही होगा माता। उचित है पुत्र, मैं भी चलूंगी। चलिए मूषक जी, हम भी कैलाश जाकर भ्राता भौम के स्वागत की तैयारी करते हैं। इस बार इनका बहुत भव्य स्वागत होगा, ये मेरा वचन है। अरे अरे, और थोड़ा ऊपर, जिससे दूर से भी ये सजावट स्पष्ट दिखाई दे। हाँ, अब उत्तम है, बहुत सुंदर प्रतीत हो रहा है अब। पुत्र गणेश, माँ, मैं आज बहुत ही उत्साहित और आनंदित हूँ, क्योंकि आज कैलाश में एक अत्यंत विशेष व्यक्ति का आगमन हो रहा है, और ये सब कुछ उन्हीं के स्वागत के लिए हो रहा है माँ। किंतु पुत्र गणेश, कौन है ये विशेष अतिथि, ये तो बताओ। हाँ हाँ माँ, हाँ, मैं अवश्य बताऊंगा, किंतु आपको उनके लिए अपने हाथों से विशेष खीर बनानी पड़ेगी। आप बनाएंगी ना खीर? अवश्य गणेश, इसके पूर्व मैंने तुम्हें कैलाश पे किसी के भी आगमन पे इतना प्रसन्न नहीं देखा। अवश्य ये अतिथि अत्यंत विशेष होंगे। अपने पुत्र के इन विशेष अतिथि के लिए मैं खीर अवश्य बनाऊं। कहां कहां से, कैसे कैसे बड़े बड़े भ्रम पाल कर यहाँ पहुंच जाते हैं मूर्ख अज्ञानी। कभी कभी दर्पण में मुख देखा है अपना? चलो प्रस्थान करो यहाँ से। पुत्र भौम, माँ मुझे चिंता हो रही है, मैं व्याकुल हो रहा हूँ कि कहीं माता पार्वती और पिता महादेव ने मुझे स्वीकार नहीं किया तो। ऐसा संदेह भी मन में क्यों ला रहे हो पुत्र भौम? देखो मार्ग कैसे पुष्पों से सज्जित है, इस मुख्य द्वार पर ये तोरण देखो, इसका अर्थ है गणेश जी ने महादेव और माता पार्वती से तुम्हारी चर्चा अवश्य की होगी, जिसके परिणाम स्वरूप
संपूर्ण कैलाश तुम्हारे स्वागत की प्रतीक्षा कर रहा है। तो शीघ्रता कीजिए ना माँ, वो आते ही होंगे। मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूंगा, आप जाइए। अरे पुत्र, जाती हूँ। किंतु गणेश, ये तो बताओ कि आ कौन रहा है? कुमार कार्तिकी जी, महादेव के पुत्र, आपके और प्रभु के भ्राता आ रहे हैं। आपके भ्राता आ रहे हैं, अर्थात प्रभु महादेव के पुत्र। हमारा भ्राता? क्या मूषक जी, क्या कहा आपने? माता ऐसे स्वर में क्यों पूछ रही है? क्या मैंने कुछ अनुचित कह दिया? गणेश, मूषक जी ने जो अभी कहा, क्या वो सत्य? वो माँ। गणेश, मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। जो मूषक जी ने अभी कहा, क्या वो सत्य है? गणेश, ये सब क्या है? यदि तुम्हें कुछ ज्ञात था तो वो माँ को पूर्व में बताना चाहिए था ना। यदि माँ को नहीं तो मुझे ही बता देते। अब मुझे बहुत चिंता हो रही है। माँ भी अत्यधिक प्रसन्न नहीं प्रतीत हो रही हैं। और ये क्या कहा तुमने? हमारा एक अन्य भ्राता भी है। ये तुम क्या अनर्गल बातें कर रहे हो गणेश? मेरा केवल एक ही अनुज है और वो तुम हो। मेरा कोई दूसरा अन्य भ्राता हो ही नहीं सकता, कदापि नहीं। स्वयं को दोष मत दीजिए मूषक जी, आपने जो कहा आपके उत्साह में आपके मुख से निकल गया। किंतु चिंता मत कीजिए मूषक जी, माँ जब भ्राता भौम से मिलेंगी तो उन्हें शेष प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाएंगे। किंतु अब ये ध्यान रखना है कि भ्राता भौम के कैलाश में प्रवेश के पूर्व मध्य में ही कोई व्यवधान न उत्पन्न हो जाए। स्वामी। उमा, आप इतनी व्याकुल क्यों हैं? क्या हुआ प्रिय? स्वामी, क्या आपको ज्ञात है आज कैलाश में किसका आगमन होने वाला है? जिस विशिष्ट अतिथि के लिए गणेश इतनी धूमधाम से कैलाश में तैयारियां कर रहा है, ज्ञात है आपको कौन है वो? उमा, कौन है ये विशिष्ट अतिथि? तोतला जी, माता तो अत्यंत रुष्ट हो गई है। अब विशेष अतिथि के स्वागत का उत्तरदायित्व तो आपके और मेरे कंधों पर ही है। अरे नंदी, वो देती है? क्या तोतला जी, कहाँ देखूं और किधर देखूं? अरे नंदी नहीं, वो देती है, उधर देती है। मैं भोम महादेव पुत्र हूँ, उनसे भेंट करने आया हूँ। ये तो वही है जो गणेश जी के जन्म दिवस पर आया था, और आज जब कैलाश विशेष अतिथि के आने की तैयारी कर रहा है, तो ये यहाँ पुनः कोई नया व्यवधान डालने आ गया। ये दोनों तो वही गण हैं जिन्होंने मेरा अपमान किया था। नाम के आगे भी कोई परिचय है तुम्हारा? कैलाश जैसे पवित्र स्थान पर असत्य को सत्य कहने की धृष्टता करते हुए लज्जा नहीं आती तुम्हें? तुम यहां से जाते हो, अन्यथा मैं तुम्हें यहां से जाने के लिए विवश करूं। आने दो इसे। पिछली बार यूं ही जाने दिया था, किंतु इस बार अवश्य दंडित करेंगे। तुझे तो प्रतीत होता है ये तेलाब पे अवत्य तो अशांति उत्पन्न करने आया है। ये कौन होता है कैलाश में अशांति उत्पन्न करने वाला? आज भी कितने क्रोध का भाव है इनके मुख पर। नहीं, यदि माँ की उपस्थिति में इन्होंने मेरा अपमान करने का दुस्साहस किया तो मैं इन्हें क्षमा नहीं करूँगा, अंत ही कर दूंगा इन दोनों का। विश्वास रखो पुत्र, इस बार तुम्हें कोई अपमानित नहीं करेगा। यहाँ जो होगा वो पुत्र गणेश के वचनानुसार ही होगा।
उमा बताओ कौन आ रहा है कैलाश? आपका पुत्र। किंतु गणेश तो लौट आया था, तो क्या कार्तिकेय कहीं गया था और अब लौट रहा है? नहीं स्वामी, गणेश नहीं, कार्तिकेय नहीं, आपका आपका एक अन्य पुत्र। उमा, ये आप क्या कह रही हैं? कौन सा अन्य पुत्र? आपका तृतीय पुत्र आ रहा है आज। मेरा तृतीय पुत्र? कौन सा तृतीय पुत्र? रुको, रुको, रुको! अगर तुमने एक कदम और आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा। रुको, रुको! तुम यहाँ पुनः लौट आए? स्मरण नहीं पूर्व में क्या कहा था तुमसे? स्मरण है, भली भांति स्मरण है, पर इस बार मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। इस बार मैं तुम्हें वो पाठ सिखाऊंगा कि जिसका स्मरण कर तुम सारी उद्दंडता भूल जाओगे। प्रतीत होता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। अकस्मात मेरे भीतर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण मैं इतना तीव्र और आवेशित हो उठा? कैलाश में आपका स्वागत है भ्राता भौम। भ्राता भौम अर्थात ये महादेव के तृतीय पुत्र और गणेश जी के विशेष अतिथि हैं। मैं भौम महादेव पुत्र हूँ। कहाँ कहाँ से, कैसे कैसे बड़े बड़े भ्रम पाल कर यहाँ पहुँच जाते हैं मूर्ख अज्ञानी, और कहते हैं महादेव पुत्र भौम है। जब पुनः आओगे तो अपना महत्व बढ़ाने के लिए शिव पुत्र हूँ ये मत कहना। आपने उचित सुना नंदी जी, ये भौम जी हैं हमारे भ्राता। अब आप इनका स्वागत उसी प्रकार से कीजिए नंदी जी, जैसे आप मेरा और भैया का कैलाश लौटने पर करते हैं। अज्ञानतावश पूर्व में हमने आपके साथ जो भी रूखा व्यवहार किया उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। कैलाश में आपका स्वागत है। भ्राता भौम, अब माँ और पिताश्री से आपकी भेंट होगी। देखिएगा, आपको देखकर माँ अत्यंत आनंदित हो उठेंगी। मैं इस बात से बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं हूँ नाथ। उमा, आप क्या कह रही हैं? ये मैं समझने में असमर्थ हूँ। गणेश और कार्तिकेय का एक और भ्राता आ रहा है आज, और कुछ ही समय में वो यहाँ पहुँचने भी वाला है। अब आप ही बताइए नाथ, ये सुनकर कैसा प्रतीत होना चाहिए मुझे? तो उस युवक से क्या कहूंगी, आप ही बताइए। जगत जननी हूँ मैं, आदि शक्ति हूँ, किंतु एक पत्नी भी हूँ, और मेरे स्वामी का एक और पुत्र है जिसका मुझे कोई ज्ञान नहीं। ये सूचना अचानक प्राप्त कर क्या मेरा विचलित होना अनुचित है? माँ,
कितना तेजस्वी है ये युवक, कितना गरिमामय व्यक्तित्व है इसका, कैसी असाधारण सकारात्मक ऊर्जा का स्वामी है ये, कितना मंगल है ये, कितना मंगल है, कितना मंगल है, कितना मंगल है। माँ यही तो है भैया भौम। हाँ माँ, ये हमारे भ्राता है। माँ ये क्या हो गया था मुझे, मैं ये कैसे भूल गई कि जगत जननी हूँ मैं, और इस नाते तो इस संसार के सभी प्राणी मेरी ही संतानें हैं। फिर मैं व्यर्थ में क्यों आंदोलित हो रही थी। पुत्र भूम उठो पुत्र। माता, महादेव, मैं भौम हूं, भूमि नंदन, और महादेव आप ही मेरे पिता हैं। आपके रोष से आपके मस्तक पर जो श्वेत बूंद उत्पन्न हुई थी, उसी से मेरा जन्म हुआ है। और कदाचित मेरे भीतर से अंगार रूप क्रोध प्रस्फुटित होता है, और इसीलिए मैं अंगारक के नाम से भी जाना जाता हूं, और इसीलिए मैं अंगारक के नाम से भी जाना जाता हूं। देवी पार्वती, मेरी कोई संतान नहीं थी, तो महादेव ने मुझ पर कृपा कर भौम को मुझे दे दिया। और माँ, मेरे जन्म दिवस पर भैया भौम कैलाश भी आए थे, किंतु कुछ गण ने उन्हें अपमानित कर कैलाश द्वार से ही लौटा दिया था, उन्हें भीतर नहीं आने दिया था। माँ हमें क्षमा कर दीजिए माता, वो गण हम ही थे। ज्ञात नहीं क्या हो गया था उस समय हमें, ऐसे जैसे किसी के प्रभाव से क्रोध हम पर छा गया हो। आप उचित कह रहे हैं नंदी जी, आपसे कोई भूल नहीं हुई, आपने वैसा व्यवहार मेरी उग्र ऊर्जा से प्रभावित होकर किया। माता मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरी उग्र ऊर्जा गणेश जी को भी प्रभावित करती रही। आपके इस मनोहर रूप पर जिसकी भी दृष्टि पड़ेगी चंद्रदेव, वो कलंकित हो जाएगा। मुझे चंद्रदेव को शाप देने का कोई पछतावा नहीं है पिताश्री। किंतु मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, ये ऊर्जा तो स्वतः ही मेरे शरीर से उत्पन्न होती रहती है, और इसी ऊर्जा के कारण सदैव मेरी उपेक्षा होती है। उपेक्षा? और तुम्हारी? पुत्र, किसमें इतना साहस है कि वो तुम्हारी उपेक्षा करे। तुम्हें तो देखकर ही मेरे हृदय में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हुआ था, इसीलिए मैंने तुम्हें मंगल नाम से पुकारा, और आज से अभी से तुम सभी के द्वारा मंगल नाम से संबोधित किए जाओगे। मेरा पुत्र मंगल आज प्रथम बार हमारे निवास कैलाश आया है, मुझे उसका उचित स्वागत करना चाहिए। ॐ धरणी गर्भसम्भूतम् विद्युत्कान्ति समप्रभम् कुमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्य। आयुष्मान् भव पुत्र। पुत्र मंगल, मुझे ज्ञात है तुम्हारे मन में क्या प्रश्न उठ रहे हैं,
मुझे तुम्हारी तपस्या का पूर्व में आभास हो चुका था और मैं तुम्हारे तप से अत्यंत प्रसन्न हूं। पिताश्री, जब आप अपने भक्ति की तपस्या से प्रसन्न होते हैं तो उन्हें सदैव वरदान देते हैं, तो भ्राता मंगल को भी वरदान स्वरूप उनका उचित स्थान मिलना ही चाहिए ना? पुत्र मंगल, मैं तुम्हें वरदान स्वरूप नवग्रहों में एक ग्रह का स्थान देता हूँ। ये तो अति उत्तम वरदान है पिताश्री। पुत्र मंगल, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा स्थान तुम्हारी माँ के साथ ही होगा। नवग्रहों में तुम अपनी माँ देवी पृथ्वी के साथ ही रहोगे। तुम स्वयं मंगल ग्रह के स्वामी बनकर वहां वास करोगे ताकि पृथ्वी का जनजीवन तुम्हारी ऊर्जा से कुछ ही दूरी पर रह सके। सप्ताह के तृतीय दिवस का नाम तुम्हारे नाम पर आधारित होगा और उसे मंगलवार पुकारा जाएगा। मंगल ग्रह प्राणियों के जीवन के पराक्रम, शारीरिक ऊर्जा, आत्मविश्वास, शक्ति, क्रोध, आवेश और वीरता शासित कार्यों का प्रतिनिधि करने वाला ग्रह होगा। बिना मंगल की शुभ दृष्टि के कोई भी प्रशासनिक अधिकारी, शासक अथवा वीर योद्धा नहीं बन सकेगा। तुम्हारा रत्न मूंगा होगा। प्रत्येक लाल वस्तु का संबंध तुमसे जुड़ा होगा और तुम्हारा वाहन भेड़ होगा। पिताश्री, आपने मुझे स्वीकार कर इतना उच्च स्थान प्रदान कर कृतार्थ कर दिया, किंतु क्या मुझे आपसे एक प्रश्न पूछने की अनुमति है? हाँ पुत्र, अवश्य। जब आपको मेरी तपस्या का आभास हो गया था तो आप मुझे दर्शन देने क्यों नहीं आए? क्योंकि मैं गणेश की प्रतीक्षा कर रहा था। क्या मेरी प्रतीक्षा पिताश्री? हाँ, क्योंकि यह सब गणेश के माध्यम से ही होना था, क्योंकि गणेश का नाम मंगल अर्थात अंगारक से जुड़ना था। कहो गणेश, अब चुनाव तुम्हें करना है, क्या अपना नाम अंगारक से जोड़ोगे? ये तो मेरा सौभाग्य होगा पिताश्री, भ्राता मंगल अंगारक नाम से भी विख्यात है। इसीलिए आज से जो भी चतुर्थी मंगलवार की दिवस पड़ेगी उसे कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के नाम से जाना जाएगा। और अंगारक चतुर्थी का व्रत करने वाले को वर्ष भर की चतुर्थी का फल एक साथ प्राप्त होगा। भ्राता मंगल, आप भी मेरे ही समान एक योद्धा हैं, इसीलिए मैं भी आपको एक वरदान देता हूं। आज से आपका वार मेरा वार होगा। जो भी मंगलवार के दिवस मेरी पूजा करेगा मैं यथाशीघ्र प्रसन्न होकर उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करूंगा। और पिताश्री के कथनानुसार मैं आपको आपका वाहन भी प्रदान करता हूं।
दीर्घ समय से अपने पिता का साथ पाने को आतुर था मैं, और आज ये मेरा परम सौभाग्य है कि न केवल मुझे अपने पिता का स्नेहाशीष प्राप्त हुआ, अपितु एक अत्यंत स्नेही परिवार भी मिला। और ये सब आपके कारण हुआ है गणेश जी। मैं आपसे इतनी ईर्ष्या करता था कि आपसे युद्ध करना चाहता था, किंतु आपने मुझे इतना सब प्रदान कर कृतार्थ कर दिया। भ्राता मंगल, जो भी होता है वो माँ और पिता श्री की इच्छा से ही होता है, समझिए ये भी उन्हीं की ही लीला है। अब आप जाकर अपने दायित्व का कार्य भार संभालिए भ्राता। का दुष्कृत्य है ये? किसने किया है ये भयंकर अपराध? महाराज, महाराज ज्ञानरी, ये गणेश ने किया है, महादेव पुत्र गणेश। गणेश, 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 गणेश। स्वामी, देखो दकिनी, कितनी निर्ममता से मेरे पिता का वध किया है उस गणेश ने। अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा जिसने मेरे पिता को मुझसे छीना है। तब उस गणेश को उसके पिता से छीन कर मैं उसे दूर कर दूंगा। स्वामी, आपके पुत्र का जन्म होने वाला है, मैं चाहती हूं कि तब तक आप मेरे साथ रहें। अपने पुत्र के जन्म के पश्चात आप अपना प्रतिशोध लेने अवश्य चले जाइएगा। उचित है, मैं अभी रुकता हूं, क्योंकि मेरे पुत्र को भी देवताओं का संहारक बनना है। उसके नेत्र खुलते ही मैं उसे देवताओं के प्रति घृणा से भर दूंगा। मेरे पिता और मेरे समान देवताओं के लिए भयंकर शत्रुता का भाव होगा उसके मन में। मेरे पुत्र का जन्म होने ही वाला है दकिनी, वो भी देवताओं का अंत करने की प्रतीक्षा नहीं कर सकता। अब मैं गणेश को पराजित करूंगा और मेरा पुत्र देवताओं को। अनुज गणेश, तुमने भ्राता मंगल के साथ सर्वथा उचित किया। वो बहुत ही सौभाग्यशाली होते हैं जिन्हें पिता का स्नेह प्राप्त होता है, और तुमने भ्राता मंगल को पिताश्री से मिलाने का महान कार्य किया है। इसके लिए मुझे तुम पर गर्व है अनुज। ये है मेरा पुत्र जो देवताओं का महाशत्रु बनेगा। अपने पुत्र को नाम दीजिए स्वामी। ये मेरा पुत्र है,
दुर्बुद्धि पौत्र ज्ञानारी का पुत्र, जो मेरी और मेरे परिवार की परंपरा का उत्तराधिकारी बनेगा, जो देवताओं के प्रति हमारी शत्रुता का उत्तराधिकारी बनेगा। ये मेरा पुत्र है, सुबोध, 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 सुबोध। मेरी अनुपस्थिति में हमारे पुत्र की उचित देखरेख करना, क्योंकि अब मेरे प्रस्थान का समय आ गया है। कहाँ जा रहे हैं आप स्वामी? अभी तो आपके पुत्र का जन्म हुआ है। दकिनी, मैंने तुम्हें वचन दिया था, अपने पुत्र के जन्म तक मैं यहां रुकूंगा, किंतु स्मरण रहे, मेरे पिता के प्रति मेरा ऋण, तुम्हारे और पुत्र सुबोध के प्रति मेरे कर्तव्य से कहीं बढ़कर है। अब मैं जाकर उस गणेश से अपने पिता का प्रतिशोध लूंगा। अब मैं तभी लौटूंगा जब मैं उसका वध कर चुका होऊंगा। वो मेरे पिता का वधिक है। गणेश, गणेश, गणेश! ये क्या हुआ अभी? क्या मेरे पुत्र सुबोध ने गणेश का नाम सुन उसके सम्मान में अपने हाथ जोड़ लिए? नहीं, गणेश के प्रति इसकी आस्था कदापि नहीं हो सकती। पुत्र गणेश, पुत्र मंगल को उसका उचित स्थान और अधिकार दिलाने में प्रमुख भूमिका निभाकर तुमने अत्यंत उत्तम कार्य किया है। पुत्र, तुमने ना केवल एक पुत्र को अपने पिता से मिलवाया, अपितु तुमने ये भी सुनिश्चित किया कि मंगल की ऊर्जा संसार के लिए हितकर होगी। हाँ माता, जब मेरी भी भ्राता मंगल से प्रथम भेंट हुई थी तो मुझे उनके क्रोध का आभास तो हुआ ही, किंतु उनके भीतर समाहित सकारात्मक ऊर्जा से भी मैं प्रभावित हुआ। हाँ माँ, और इससे अधिक आनंद की और क्या बात हो सकती है कि पिताश्री ने ब्रह्मांड में उन्हें उचित स्थान जो प्रदान किया है। एक पिता के लिए इससे अधिक संतोष की क्या बात हो सकती है कि संसार में उसके पुत्र को उपयुक्त स्थान प्राप्त करने के साथ यथोचित मान सम्मान भी प्राप्त हो। मुझे अपने सभी पुत्रों पर गर्व है। स्वामी, यदि अभी आपके और भी पुत्र शेष हैं, जिनसे मैं अनभिज्ञ हूं, तो उनका परिचय भी दे ही दीजिए। उमा, मैं तो जगत पिता हूं, संपूर्ण जगत के सभी जीव मेरी संतान हैं। यदि मैंने अपने असंख्य पुत्रों का परिचय देना आरंभ किया तो उसका अंत ही नहीं होगा, तो मैं ध्यान कैसे करूंगा? ये ध्वनि तो शुभ संकेत नहीं है। अब मैं जाकर उस गणेश से अपने पिता का प्रतिशोध लूंगा। अब मैं तभी लौटूंगा जब मैं उसका वध कर चुका होऊंगा। मुझे शीघ्र कुछ करना होगा। पिताश्री, माँ, भैया। गणेश, क्या हुआ? तुम अचानक इतने चिंतित क्यों हो गए? भैया, असुर दुर्बुद्धि का पुत्र ज्ञानारी कैलाश आ रहा है मुझसे युद्ध करने। ये असुर कभी नहीं सुधरेंगे। आने दो उन्हें, इस संकट को उसके आरंभ से पूर्व ही समाप्त कर दूंगा मैं। नहीं भैया, रुक जाइए। आपको कुछ करने की कोई आवश्यकता नहीं है भैया।
क्योंकि मैं ही अदृश्य हो जाऊंगा। अदृश्य? अदृश्य हो जाऊंगा? और आप सब भी अदृश्य हो जाइए। ये क्या कह रहे हो तुम गणेश? हम अदृश्य हो जाएं? उस असुर से छिप जाएं? तुम ऐसा सुझाव भी कैसे दे सकते हो गणेश? तुम प्रथम पूज्य हो गणेश, और मैं देव सेनापति। माँ आदि शक्ति हैं और पिताश्री स्वयं देवाधिदेव महादेव। और तुम चाहते हो कि हम उस असुर से भयभीत होकर छिप जाएं? नहीं गणेश, नहीं। पुत्र कार्तिकेय, मैं तुमसे सहमत हूं, किंतु यदि गणेश हमें अदृश्य होने का सुझाव दे रहा है तो उसके पीछे उसकी अवश्य कोई लीला होगी। उसकी कुशाग्र बुद्धि से उत्पन्न उसकी कोई योजना होगी, क्योंकि पुत्र गणेश अधर्मियों से युद्ध करने से पीछे हटने वालों में से तो कदापि नहीं। अभी मुझसे कोई प्रश्न मत पूछिए, कृपया बस अदृश्य हो जाइए, अन्यथा विलंब हो जाएगा। तो ये है गणेश का निवास स्थान। कहाँ हो गणेश? बाहर आओ। वो दुष्ट गणेश यही कहीं छिपा होगा। जाओ ढूंढो उसे। हम सभी अदृश्य तो हो गए हैं, किंतु यदि भैया का क्रोध जागृत हुआ तो ज्ञानारी का अंत तो होगा ही, उसके साथ साथ मेरी योजना भी विफल हो जाएगी। गणेश, मेरे पिता का वध करते समय तो भयभीत नहीं हुए तुम? तुम उससे क्यों छुपे हो? बाहर निकलो गणेश, और सामना करो अपने काल का। इस दुष्ट का इतना दुस्साहस, पिताश्री के ध्यान स्थल में प्रवेश करने जा रहा है ये। यदि इस पावन स्थल पर इस दुष्ट ने अपना पग भी धरा तो मैं इसका वध ही कर दूंगा। महाराज, यहां तो कोई भी नहीं है। प्रतीत होता है तुम मेरे भय से कहीं भाग गए हो गणेश, किंतु भाग कर जाओगे कहां? संसार के किसी भी कोने में छुपे होगे, वहीं से ढूंढ के लाऊंगा तुम्हें। माँ, पिताश्री, मेरा सुझाव स्वीकार कर अदृश्य होने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। भैया, रुक जाइए, भैया रुक जाइए। स्वामी, पुत्र कार्तिकेय इतने आवेश में क्यों है? ओ माँ, कार्तिकेय एक योद्धा है, शत्रु को अपने पराक्रम से पराजित करना उसका धर्म है। शत्रु उसके निवास में प्रवेश कर उसके परिवार के निकट पहुंच चुका था,
किंतु कार्तिकेय, गणेश की योजना पालन करने हेतु उस शत्रु को युद्ध के लिए नहीं ललकार सका, उस असुर का वध नहीं कर सका, इसलिए उसका क्रोधित होना तो स्वाभाविक ही है। स्वामी, तो फिर मैं अभी जाकर कार्तिकेय को समझाती। नहीं उमा, गणेश उसके साथ गया है तो इस स्थिति को उसे ही अपनी किसी विलक्षण युक्ति से संभालने दीजिए। उस दुष्ट दंड ज्ञानारी का अंत करना ही सर्वथा उचित होता। बाहर निकलो गणेश, और सामना करो अपने काल का। वो दुष्ट गणेश यही कहीं छिपा होगा। गणेश, मैं कह रहा हूँ अपना ये परिहास बंद करो और मुझे मेरा दंड लौटा दो। मुझे ज्ञात है भैया, आप ज्ञानारी पर बहुत क्रोधित हैं, किंतु मेरे पास उसे उसके इस अपराध का दंड देने का एक उचित उपाय भी है भैया। मुझे ज्ञात है ज्ञानारी को कैसे पराजित करना है। मुझे तत्काल बताओ अनुज। भैया आवेशित प्रतीत होते हैं, मुझे इनके क्रोध को शांत करना होगा। मैं आपको मेरी योजना बताता हूँ, किंतु आप अकेले में ये क्या प्रशिक्षण ले रहे हैं। गणेश, मैं कह रहा हूँ अपना ये परिहास बंद करो और मुझे मेरा दंड लौटा दो। यदि आप अपना दंड चाहते हैं भैया, तो स्वयं क्यों नहीं ले लेते। लीजिए 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 लीजिए। उचित है फिर, यदि तुम ये क्रीड़ा करना ही चाहते हो तो मैं भी तैयार हूं, किंतु यदि आहत हो गए तो मुझे दोष मत देना। क्या भैया, आप बातें बहुत करते हैं, दंड तो लेकर दिखाइए। अच्छा, तो अब पकड़ कर ही दिखाता हूं। हाँ गणेश, ये अच्छा दाव था, किंतु अब उत्तम, अति उत्तम। गणेश, मैं तुम्हारे दंड के कौशल से अत्यंत प्रभावित हुआ। तुम में गति है, चपलता भी। तुम इतनी दक्षता से गतिशील होते हो जैसे जैसे मानो तुम्हारे लिए कितना सरल है। किंतु गणेश, अगली बार बस इतना ध्यान रखना कि दंड को ऐसे नहीं, ऐसे पकड़ना ताकि तुम्हारा प्रतिद्वंदी उस पर अपनी पकड़ ना बना सके। समझ गया भैया, समझ गया। किंतु आप ये बताइए, मेरी दक्षता और मेरे कौशल से आपका क्रोध समाप्त हुआ। गणेश, तुम मेरे अनुज हो और साथ ही मेरे प्रथम पूज्य भी, और यदि मेरा प्रथम पूज्य मुझे कोई आदेश देगा
तो मैं उसका पालन अवश्य करूंगा, किंतु तुम्हारा अग्रज होने के साथ साथ मैं एक योद्धा भी हूं गणेश। इसीलिए मुझे ये ज्ञात करने का अधिकार भी है कि तुम क्यों नहीं चाहते कि हम उस उद्दंड ज्ञानारी से युद्ध करें। क्योंकि भैया, जब ज्ञानारी के पिता दुर्बुद्धि का प्राणांत हो रहा था तो उन्होंने मुझसे कहा था, मेरे बाद मेरा पुत्र तुमसे युद्ध करेगा, उसके पश्चात उसका पुत्र। ये युद्ध निरंतर चलता रहेगा। दुर्बुद्धि ने अपने पुत्र ज्ञानारी के हृदय में देवताओं के प्रति घृणा का बीज बोया। वो हमसे घृणा करता है, फिर उसका पुत्र भी ऐसा ही करेगा, और यही ऐसी घृणा की परंपरा पिता से पुत्र को प्रदान की जाएगी और पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेगी। यदि इसी प्रकार उसके पिता के पुत्र और उसके भी पुत्र से ऐसे ही युद्धरत रहे तो घृणा और ये युद्ध की श्रृंखला तो ऐसे ही स्थापित रहेगी। तुम सर्वथा उचित कह रहे हो गणेश, किंतु असुरों और देवताओं के संघर्ष की परंपरा तो इतिहास के आरंभ से चली आ रही है। इसीलिए मुझे तुम्हारा आशय समझने में कठिनाई हो रही है। तुम कहना क्या चाहते हो, करना क्या चाहते हो, ये स्पष्ट तो करो। भैया, आप उचित कहते हैं। अनेक सदियों से असुरों ने देवताओं के प्रति द्वेष का ही भाव रखा है, किंतु इस परंपरा में मूल परिवर्तन लाने का, असुरों को ये समझाने का कि देवता उनके शत्रु नहीं, इसका अवसर है हमारे पास। हम उनकी घृणा को स्नेह में परिवर्तित कर सकते हैं भैया, और इसका आरंभ हम ज्ञानारी के अल्पायु पुत्र सुबोध से कर सकते हैं। असुरों से व्याप्त घृणा स्नेह में परिवर्तित कर उन्हें निर्मल बनाने के कार्य का आरंभ हम ज्ञानारी के पुत्र सुबोध से करेंगे। ज्ञानारी ने अपने पुत्र में देवताओं के प्रति द्वेष प्रचुर मात्रा में भर दिया है, किंतु यदि हम चाहें तो हम बालक सुबोध को उसकी आसुरी प्रवृत्ति से रिक्त कर उसे सात्विक बना सकते हैं, और यदि हम ऐसा करने में सफल हो गए तो फिर देवता और असुर शांति के साथ विचरण कर सकेंगे भैया। गणेश, शांति से मुझे भी कोई विरोध नहीं है, किंतु किसी असुर को उसकी आसुरी प्रवृत्ति से दूर ले जाना, उसे सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देना बड़ा ही विकट कार्य है, और इसमें सफलता प्राप्त करने के लिए कोई उपाय भी है तुम्हारे पास? हाँ हाँ है ना, किंतु उसका उपाय तो आप हैं भैया। ज्ञानारी के पुत्र बालक सुबोध को भी हिंसा करने में आनंद आने लगा है। किंतु भैया, ज्ञानारी पुत्र असुर बालक सुबोध में अभी भी बाल्य सुलभ सरलता है, जिसे जिस दिशा में ढाला जाए वो ढलता चला जाएगा। इसलिए भैया, यदि उसे उचित मार्गदर्शन प्राप्त हो तो उसे घृणा के इस बीज को उसके भीतर पनपने से रोका जा सकता है। और ये हम कैसे करेंगे गणेश? हम नहीं, ये आप करेंगे भैया, आप करेंगे उसका मार्गदर्शन। मैंने तुम्हें रुकने की अनुमति दी क्या? मुझे पाठ सिखाने चले थे असुर युवराज सुबोध को। ये बनेंगे वो भी मेरे गुरु। भैया, आप एक उत्कृष्ट गुरु हैं। आप कितने धैर्यवान हैं। अभी कुछ ही समय पूर्व हम आपस में ही उलझ रहे थे, किंतु मुझसे क्रोधित अथवा मेरे साथ स्पर्धा में बहने के स्थान पर
आप मेरा ही मार्गदर्शन कर मुझे विजय की युक्ति समझा रहे थे। हाँ गणेश, ये अच्छा दाव था। इसी प्रकार आप सुबोध को ज्ञान देंगे भैया, उसे ईश्वर का परिचय देंगे, उसे आदिशक्ति, महादेव, ब्रह्मदेव एवं श्री हरि नारायण सबकी महिमा का बोध कराएंगे। गणेश, तुम चाहते हो कि मैं बालक सुबोध को शिक्षा प्रदान करूं, किंतु उसके लिए तो मुझे उसके साथ समय व्यतीत करना होगा ना, और ये संभव कैसे होगा? वो एक असुर राजकुमार है, उसकी माता अपने पुत्र को किसी के साथ ऐसे कहाँ छोड़ेगी? अब युक्ति का विचार तो आप ही कीजिए भैया, मैं तो चला भोजन करने। उचित है अनुज, यदि इसमें देवताओं और असुरों के मध्य व्याप्त शत्रुता को मिटाया जा सकता है तो मैं सुबोध का मार्गदर्शन अवश्य करूंगा। ये गिलारी यहाँ शांति से बैठ के अपना भोजन कर रही है, ये तो अनुचित है। अभी ना इसका अंत कर देता हूँ। अरे रुको, कहाँ भाग रही हो? रुको, अरे रुको, तो कहाँ भाग रही हो? अरे अभी तुम्हें पकड़कर तुम्हारे रक्त बहाने का आनंद लूंगा। रुको, अरे भाग गई। उस दुष्ट गिलारी का पीछा करते करते ये मैं कहाँ पहुंच गया? ये वन कितना घना है, मुझे तो बहुत भय लग रहा है, मुझे लौटना चाहिए, किंतु किस दिशा में जाऊं? यहाँ से अथवा वहां से कहां जाऊं? कैसे जाऊं? किस दिशा में लौटूं? मां, महाकाय वंचक, इसका सामना मैं कैसे करूंगा? अभी उचित समय है। मां!
इतना बल, वो भी एक साधारण गज में। ओह, तो ये तुम हो। अति उत्तम युक्ति है गणेश। तुम यहाँ? ओहो भैया, मुझे भली भांति ज्ञात था आप सुबोध तक पहुँचने की युक्ति नहीं सोच सकेंगे। देखिए ना, आप तो अभी भी यहीं खड़े हैं, इसलिए मैं स्वयं ही यहाँ पहुँच गया, ये सोचकर कि क्यों ना आपकी सहायता ही कर दूं। अच्छा, वहाँ कैलाश में तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि भैया युक्ति आप सोचिए, मैं तो चला भोजन करने, अब यहाँ आए बिना तुमसे रहा भी नहीं गया ना। क्या करूं भैया, अत्यंत उदार और कोमल हृदय है जो मेरा, इसीलिए आपकी कठिनाई को सरल बनाने चला आया। अच्छा, आप सचेत रहिए और आगे देखिए। क्यों, ऐसा क्या करने जा रहे हो तुम? क्या करना है ये तो उचित समय आने पर स्वतः ही आपको ज्ञात हो जाएगा भैया। बड़ी शक्ति आ गई है ना तुम में। हाँ, माँ के हाथों के बने मोदक जो खाकर आए हो, है ना? किंतु तब भी मैं तुम्हारा अग्रज ही हूँ। आपको भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना ही था ना, तो अब वो मुझे भी करना ही होगा। पुत्र सुबोध, आप सुरक्षित तो है ना? माँ, गज को शांत कर दिया इन्होंने। गणेश, अब इस क्रीड़ा का अंत भी कर देते हैं। हाँ भैया। कितना परिश्रम करा दिया मुझे, मुझे कैलाश शीघ्र पहुंचकर अपना उदर पुनः भरना होगा। मैंने पूछा कौन हो तुम? प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न तो वो है जो मैं आपसे पूछने जा रहा हूं कि ये बालक कौन है और इसके भीतर इतना अहंकार और ऐसी घृणा का वास क्यों है? ये जैसा है ऐसा किसने बनाया है इसे? ऋषिवर, मैं असुर महारानी दकिनी हूँ और ये मेरा पुत्र असुर महाराज ज्ञानारी का पुत्र है। ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है, असुर महारानी देवी दकिनी, आपने मुझे अपना पद और समाज में अपना स्थान बताया, किंतु मेरा प्रश्न तो ये था कि ये बालक कैसे गुण धारण कर रहा है, इसका व्यक्तित्व किस दिशा में जा रहा है? मेरे
युवराज सुबोध के व्यक्तित्व पर प्रश्न करोगे तुम? इतना दुस्साहस तुम्हारा? जब दो बड़े गंभीरता से परस्पर संवाद कर रहे हो तो बालकों को मध्य में बोलने की धृष्टता कदापि नहीं करनी चाहिए। समझ गए ना भाला? आश्चर्य, किसी ने प्रथम बार अपने कथनों से मेरे उदंड बालक को प्रभावित कर उसे शांत किया है। कौन है ये ऋषि? ऋषिवर, मेरे पुत्र सुबोध को हमारे संवाद में उसके इस असमय हस्तक्षेप के लिए क्षमा करें। आपने उचित समय पर इसकी रक्षा की, जिसके लिए मैं सदा आपकी आभारी रहूंगी। आप मुझे अपना परिचय देने की कृपा कीजिए ऋषिवर। बताइए मुझे, कौन है आप? मैं ऋषि स्कंद हूं देवी। अपना तप संपन्न कर मैं अपने गुरुकुल के लिए एक उपयुक्त स्थान ढूंढ रहा हूं। ऋषिवर, तब तो आपकी चिंता का निवारण हो गया। आप अपना गुरुकुल यहीं स्थापित कर लीजिए। इसी प्रकार मेरे पुत्र सुबोध को आपसे शिक्षा प्राप्त करने का सौभाग्य भी प्राप्त होगा। माँ, पूर्व में ही मेरे दो दो गुरु हैं, तो मुझे किसी अन्य गुरु की क्या आवश्यकता? और वैसे भी ऐसा क्या है जो कोई गुरु मुझे सिखा सकता है? मुझे तो सब ज्ञात है। बालक सुबोध, यदि तुमने अपने गुरुओं के सिखाए पाठ को आत्मसात किया होता तो तुम्हें अवश्य ज्ञात होता कि कोई शिष्य अपने गुरु का चुनाव नहीं करता, अपितु यह तो शिष्य का सौभाग्य होता है कि उसका उचित गुरु उसको शिष्य के रूप में स्वीकार करता है। देवी, आपका पुत्र मुझसे शिक्षा प्राप्त करने के योग्य नहीं है और यह स्थान मेरे गुरुकुल के लिए उचित नहीं है। इसीलिए अब मैं आपसे विदा लेता हूं। संपूर्ण देव और असुरों का भविष्य अब आपके ही हाथ में है भैया। आशा है इस बार आप बिना युद्ध किए ही विजयी होंगे। पुत्र, मैं तुम्हारी माँ हूँ जो तुम्हारे भविष्य को सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहती है। अपने लिए नहीं, अपनी माँ के लिए अपने अहंकार का परित्याग कर दो और सम्मान सहित ऋषिवर को रोक लो। आवश्यकता तो नहीं, किंतु माँ मुझसे निवेदन कर रही है तो रोक लेता हूँ इन्हें। ऋषिवर, मुझे क्षमा कीजिए और कृपा कर मुझे अपने शिष्य रूप में स्वीकार कीजिए। ज्ञानहारी, तुम यहां क्यों आए हो? ब्रह्मदेव, आज प्रश्न आप नहीं मैं पूछूंगा। बताइए मुझे, कहां है गणेश? कहां छिपा है वो? ये तो बड़ी उत्तम बात है ज्ञानहारी। तुम्हारा गणेश को ढूंढना तो सर्वथा उचित है। गणेश को ढूंढना तो ईश्वर को ढूंढने के समान है और ईश्वर को ढूंढना तो प्रत्येक प्राणी का परम लक्ष्य होना चाहिए।
प्रवचन नहीं ब्रह्मदेव, उत्तर चाहिए मुझे। मैं किसी ईश्वर को ढूंढने नहीं निकला हूँ, गणेश चाहिए मुझे। बताइए कहाँ स्थित है वो? आइए आइए ऋषिवर, गुरुकुल में आपका स्वागत है। ऋषि स्कंद, अब से आपको यही इसी गुरुकुल में स्थित रहना है। देवी, मुझे वन में ज्ञात हुआ था कि बालक सुबोध के दो गुरु पूर्व से ही हैं। उन दोनों का तो कार्य यहाँ से समाप्त हो गया नवीन गुरुदेव। अब तक तो वो लोग अपनी पोटली बांधकर यहाँ से प्रस्थान भी कर गए होंगे। महारानी दकिनी, प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम प्रणाम। ऋषि हरित, ऋषि अद्वैत, ये हैं ऋषि स्कंद, जिन्होंने सुबोध को शिक्षा देने का मेरा निवेदन स्वीकार किया है। ऋषिवर, आप दोनों को कहीं प्रस्थान करने की आवश्यकता नहीं है। आप दोनों यहीं रहकर बालक सुबोध की शिक्षा में मेरा हाथ बटा सकते हैं। ऋषि स्कंद, युवराज सुबोध तो अत्यंत ही बुद्धिमान और विवेकी बालक हैं। बुद्धिमान तो मैं हूँ, दो दो गुरुओं को एक साथ यहाँ से प्रस्थान करने पर विवश जो कर रहा हूँ। किंतु कदाचित हम ही उन्हें शिक्षा देने में अक्षम हैं। ऐसे किसी व्यक्ति ने इस धरा पर जन्म ही नहीं लिया जो युवराज सुबोध का गुरु बन सके। जैसे मैं इन गुरुओं को यहाँ से भगा रहा हूँ, शीघ्र ही ये नवीन गुरु भी भागते दिखाई देंगे। सुबोध, ऋषि हरित और ऋषि अद्वैत के चरण स्पर्श कर उनसे आशीष प्राप्त करो। मैं चरण स्पर्श करूं इनका? प्रिय, क्या तुम्हें यहां कहीं गणेश दिखाई दे रहा है? नहीं नाथ, गणेश तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। लो, तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो गया। गणेश तो यहां ब्रह्मलोक में कहीं नहीं है। बस, मुझे मूर्ख समझा है क्या? गणेश से तो मैं बाद में निपट लूंगा, वैसे भी मुझे सभी देवताओं का अंत करना है। तो क्यों ना मैं आप दोनों से ही आरंभ करूं? क्यों ना मैं आप दोनों से ही आरंभ करूं? अरे वाह, इतना भीषण आतंक है मेरा कि सभी भयाक्रांत हो रहे हैं मुझसे। वहां कैलाश में भी सभी मेरे भय से कहीं भाग कर छुप गए, और यहाँ ब्रह्मलोक में ब्रह्मदेव और देवी सरस्वती मुझसे अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए कहीं अदृश्य हो गए। कितने भीरु हैं ये देवता, मुझे देखकर भाग कर छिप रहे हैं। ये तुम्हारे गुरु रहे हैं, इन्होंने तुम्हें शिक्षा प्रदान की है, और अब तुम एक नवीन गुरु के साथ अपनी शिक्षा की नवीन यात्रा प्रारंभ कर रहे हो। इसीलिए अपने गुरुओं का आशीष प्राप्त करना
तो तुम्हारे लिए अति आवश्यक है। आपको ज्ञात भी है आप क्या कह रहे हैं? आप मुझे असुर युवराज सुबोध को इनके चरण स्पर्श करने के लिए कह रहे हैं? हाँ, कदापि नहीं। पुत्र, मुझे आशा है तुम वही करोगे जो उचित है। कदाचित माँ मेरे इस व्यवहार से असंतुष्ट प्रतीत हो रही है, किंतु एक साधारण से ब्राह्मण के चरण मैं असुर युवराज होकर गलत कैसे स्पर्श कर सकता हूँ? पुत्र गणेश, तुम्हारे सुझाव पर हम ब्रह्मलोक से अदृश्य होकर यहाँ आ गए। पुत्र गणेश, ऐसे कितने समय के लिए अदृश्य रहेंगे हम? ज्ञानारी तो तुम्हें सर्वत्र ढूंढ रहा है। बुआ जी, यदि मैं चाहूँ तो अभी मैं ज्ञानारी का वध कर सकता हूँ, किंतु उससे क्या लाभ होगा? ज्ञानारी के वध से ज्ञानारी का पुत्र सुबोध देवताओं से प्रतिशोध लेने के लिए प्रेरित होगा, हम पर आक्रमण करने आएगा, और ये परस्पर घृणा, शत्रुता, रक्तपात की श्रृंखला अनंत काल तक निरंतर चलती रहेगी। घृणा से घृणा का अंत नहीं हो सकता, वो मात्र प्रेम से हो सकता है, स्नेह से ही संभव है ये। इस घृणा को समूल नष्ट कर देने की हमारी योजना क्रियान्वित हो चुकी है, और मुझे ज्ञात है भैया उसे सफल बनाने हेतु पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे। घृणा के बीज को नष्ट कर इस भावना को अंकुरित नहीं होने देंगे वो, और उसके स्थान पर ज्ञानारी के पुत्र सुबोध के हृदय में प्रेम और भक्ति का भाव भर देंगे। पुत्र, सम्यार्थ रहो, संपन्न रहो, समृद्ध रहो। ये अचानक कैसे विचित्र सुख का आभास हुआ मुझे, इन गुरुओं के शब्दों ने जैसे मेरे हृदय को शांत कर दिया। परिस्थिति को अपने अनुकूल बनाने के लिए हमें योजना बनाकर ही कार्य करना चाहिए।